गोंडा में कल मतदान है, कितने बूथ है गोंडा में, सुरक्षा को लेकर कैसी तैयारियां बता रहे हैं? हमारे 7 विधानसभा में कुल 2918 बूथ और 1661 सेंटर है, उसमें हमारी पूरी तैयारी हो गई है। 90% से ज्यादा मतदान पार्टी आ चुकी है और उन्होंने अपना सामग्री ले लिया है। करीब करीब 100 गाड़ियां हमारे यहां से रवाना भी हो गई हैं। सभी पोलिंग सेंटर्स पे हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस रहेगी, उसके अतिरिक्त सिविल पुलिस के जवान भी रहेंगे और हमारा QRT सिविल फोर्सेस का भी और पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी रहेगा। इसके अतिरिक्त सेक्टर मैजिस्ट्रेट 187 हैं, 197 और जोनल मैजिस्ट्रेट 29 हैं और रिटर्निंग ऑफिसर्स, सुपर जोनल मैजिस्ट्रेट्स, हम लोग सभी लोग फील्ड में रहेंगे, जिससे कि शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव हो सके। मैं सभी मतदाताओं से अपील करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में बाहर आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। जनपद गोंडा में आज कल 27 तारीख को जो चुनाव होना है उसके लिए पोलिंग पार्टियां थॉमसन कॉलेज से यहाँ रवाना हो रही है और साथ ही साथ सुचारू रूप से यहाँ पे सभी लोग निकलकर अपने अपने सेंटर्स पे पहुंच रहे हैं। हमारी टीमें लगी हुई है, जो भी टीमें सेंटर्स पे पहुंच रही है उनका हालचाल जान के उनको वहां पे व्यवस्थित करवा रही है और साथ ही साथ यहाँ जनपद के अंदर सिटी के अंदर जगह जगह पे डायवर्जन पॉइंट लगवाए गए हैं, पूरी फोर्स लगाई गई है जिससे कि पूरी सुचारू रूप से जो कई 100 की संख्या में जो गाड़ियां जा रही है अपने अपने गंतव्य तक पहुंचे हैं। अभी तक आधी गाड़ियां ऑलमोस्ट निकल चुकी है और आधी बसेस जो है वो भी लगातार लाइन में है और लगातार निकली चली जा रही है और कल जनपद गोंडा में होने वाले चुनाव के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। शांतिपूर्ण ढंग से भयमुक्त और निडर वातावरण में चुनाव कराया जाएगा और आपके माध्यम से सभी से अपील रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में आकर अपने मत का प्रयोग। ये सब रोक दो, प्रायोरिटी किसकी रहेगी? किसकी रहेगी जो किसकी निकलेगी गाड़ी, किसकी पोलिंग पार्टी की। वहाँ देख लो कदमगंज वाला किस साइड जाएगा, इधर जाएगा। तरबगंज वाला इधर जाएगा, कटरा इधर जाएगा, और कौन से इधर जाएगा तुम्हारा? अभी अभी कंडलगंज कटरा इधर जाएगा, सदर वाला देख लेना। अब जैसे ही आ रही है गाड़ी, खाली कर भाई, इधर ले, इधर गाड़ी इधर ले। कटरा वाला, कटरा की कहाँ जाएगी है? इधर की रास्ता दिखा, निकाल चल भाई, निकल ले जल्दी। निकाल ले भाई, तू निकल जाएगा, समझ गया ना भाई।